subscribe to Mo's Home Kitchen and press the bell icon for latest update. Hi friend, मैं हूँ Mo and welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉम्फ्लेट फिश करी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही स्पाइसी भी होता है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बड़े साइज का पॉम्फ्लेट फिश लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट से मैरिनेट कर लूँगी। इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट से मैरिनेट करने से मछली का जो स्मेल है वो चला जाता है। अगर मछली ज़्यादा स्मेली हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। और इस तरह से मैरिनेट करके मैं इसको 10 से 15 मिनट तक रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से मछली में कोट हो जाए। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें मछली को फ्राई कर लूँगी। मैं एक बार में 2 मछली फ्राई कर रही हूँ, और मछली फ्राई करने के टाइम पे मैं फ्लेम को मीडियम रखूँगी। मछली को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, मतलब ओवर फ्राई नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा नरम नरम करके हमें फ्राई करना है। इसको अगर हम ज़्यादा ओवर फ्राई करेंगे या फिर क्रिस्पी करेंगे तो जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो इसी तरह से मैं सारी मछली को फ्राई कर लूँगी, और उसी ऑयल में मैं डालूँगी थोड़ा सा कलंजी, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च। अब इसको थोड़ा सा सौते करेंगे कुछ ही सेकंड के लिए। मैं 2 बड़े साइज का प्याज को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया था, तो वो डाल रही हूँ। और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक ये इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। आप टमाटो काट के भी डाल सकते हो। अब इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में। दो से तीन मिनट बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्राई मसाला डालना है। अभी मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। मसाला ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, यानी जल ना जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पे पहले से ऐड किया था। अब मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार नमक और थोड़ा सा चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और अगर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब साइड से तेल छोड़ने लगे तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम पानी। आप ग्रेवी के अकॉर्डिंग गरम पानी डालें और इसे मिला दें। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरी मिर्च, जो मैंने स्लीट करके रखे थे। अब ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक रख देंगे मीडियम फ्लेम में। इससे मिर्ची का बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आता है। तो 2 मिनट बाद मैं इसमें मिलाऊंगी पहले से पेस्ट किया हुआ 2 टीस्पून सरसों का पेस्ट। मैंने यहाँ पे काले सरसों लिया है, आप चाहो तो इसमें हरे, काले, कुछ भी सरसों डाल सकते हो। मिला देने के बाद मैं इसमें डालूंगी फ्राई किया हुआ मछली। सावधानी से एक एक करके मछली को डालना है, ताकि मछली टूट ना जाए।
मैंने इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है, अगर छूट गया हो तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अब फिर से इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुका है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी कि नमक ठीक है कि नहीं ग्रेवी के अकॉर्डिंग। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मिला देंगे। और अब मैं ओवन को ऑफ कर दूँगी, ये बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और गर्मा गर्म राइस के साथ इसे सर्व करें, और मुझे ज़रूर कमेंट करके भेजें कि ये कैसे बनी है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बाय।